स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा। नमस्कार, स्वच्छ भारत से जुड़ी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वच्छता की तरफ लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं, समाज का हर तबका इस मुहिम में स्वच्छता का सिपाही है, तो इन्हीं कुछ प्रयासों से जुड़ी रिपोर्टों को लेकर हम हाजिर हैं। स्वच्छता की मुहिम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बढ़ाया कदम। मेरठ में अधिकारी जन जन तक पहुंचा रहे हैं स्वच्छता अभियान। और अंत में बात करेंगे आज के स्वच्छता मंत्र की। तो स्वच्छता की मुहिम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है, मेट्रो स्टेशनों की सफाई की है। कैसे किया है ये सब, ये देखिए। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली, तारीख 23 नवंबर 2016। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी समेत वरिष्ठ अधिकारी पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पार्किंग पहुंचे। पार्किंग में जमकर सफाई की। स्वच्छता में अपना योगदान देने महिला और पुरुष सभी कर्मचारी पहुंचे और लोगों को जागरूक किया। वास्तव में स्वच्छता के लिए सबको उद्दत करना है, अपने लोगों को और उनको प्रतिबद्ध करना है। तो एज अ सर्किल हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने कोशिश की कि आम जगह पे जहाँ पे कि जनता आती है और हमारे सारे स्टाफ यहाँ पे हैं, तो हम लोग इसकी सफाई करें। स्टेट बैंक में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। अधिकारी और कर्मचारी बैंक से बाहर निकलकर हाथ में झाड़ू थामकर ये संदेश देने की कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी कीमत पर स्वच्छता जरूरी है। आप अपने आसपास, अपने घरों में सफाई पर जरूर ध्यान दें। हमारी पूरी जो संस्कृति है उसमें शुचिता पर बहुत ध्यान दिया गया है, तो हम शुचिता प्रत्येक मन से, कर्म से, सभी क्षेत्रों में शुचिता लाने का प्रयास करेंगे। और जो फिजिकल बाह्य तौर पर शुचिता है वो अगर करें तो धीरे धीरे मन की तरफ भी शुचिता चली जाती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 2 जून 1806 को हुई। बैंक का अपने स्थापना काल से ही सामाजिक सरोकारों में योगदान रहा। इसी क्रम में बैंक ने स्वच्छता की मुहिम को भी आगे बढ़ाने में गति दी है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लिए चलते हैं मेरठ। मेरठ में कुछ अधिकारी हैं जो जन जन तक स्वच्छता अभियान को पहुंचा रहे हैं। कैसे ये अभियान पहुंचा रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। बच्चों के बीच सड़क पर प्रभात फेरी में निकली मेरठ की डीएम बी चंद्रकला। प्रभात फेरी में बच्चों ने नारे बुलंद किए कि खुले में शौच बंद करो। संबल मिला जिलाधिकारी महोदया का, जो खुद ग्राम पंचायत स्तर तक स्वच्छता अभियान को गति दे रही हैं। ग्राम प्रधान के देखरेख में बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हर घर में यहाँ पर शौचालय बनाया भी गया है और उसका पूरी तरह से उपयोग भी हो रहा है। जिलाधिकारी ने मेरठ के मवी ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय में ग्रामवासियों की बैठक बुलाई। बैठक में महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं ने हिस्सा लिया। बैठक में खुले में शौच से होने वाले खतरे के बारे में भी बताया गया। खुले में शौच से संबंधित सभी जानकारी लोगों तक है और इसके क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, जो उनके हेल्थ इंडिकेटर्स, यह भी सब लोगों को जानकारी दी जा चुकी है। जिलाधिकारी की टीम गांव भ्रमण पर निकली, लोगों की स्वच्छता संबंधी समस्याएं सुनी, हल करने की राह दिखाई। संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मेरठ। और कार्यक्रम के अंत में आइए आपको दिखाते हैं कि स्वच्छता के बारे में क्या कुछ कहा है कोनरो हम्पी ने। हैविंग ए क्लीन सोसाइटी गिव्स ए मच मोर बेटर इम्पैक्ट
over the world. So please take it as your responsibility. Being an Indian, it's our responsibility to make everything clean and green. इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज़ की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज़ लाइव और ट्विटर हैंडल @DDNewsLive के जरिए जुड़ सकते हैं। आप अपने वीडियो और संदेश भी हमें भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत।